इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है और यह कितने तरह का होता है और इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उदाहरण है, स्थितिज ऊर्जा का क्या सूत्र है, इसका मात्रा क्या है। कहने का मतलब कि स्थितिज ऊर्जा के बारे में जो कुछ भी आप लोगों को पढ़ना है ना, इसका परिभाषा, सूत्र, हमारे दैनिक जीवन में उदाहरण, वह सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। यदि आप स्थितिज ऊर्जा के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर स्थितिज ऊर्जा, जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है, यह है क्या। तो देखिए, किसी पिंड की विशिष्ट स्थिति अथवा विशिष्ट संरचना के कारण उस पिंड में संचित ऊर्जा ही स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। देखिए, कहने का मतलब कि किसी भी पिंड या वस्तु के उसकी स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा आती है ना, उसी को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं और इसे पीई अथवा यू से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर पी या बराबर लाइन में लिखा है ना, आपको कहीं कहीं पर इस तरह से भी देखने को मिल जाएगा, पी इस तरह से रहेगा, पी ऊपर में और यहाँ पर ई जो है ना, यह इस तरह से नीचे में, ठीक, इस तरह से भी इसे सूचित करते हैं। अब हम यह समझते हैं कि स्थितिज ऊर्जा का माप किस तरह से किया जाता है, कैसे हम जानेंगे कि किस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा कितना अधिक है, किस में कितना कम है, किस में कितना है, ठीक। तो देखिए, इसका माप करना भी बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए अच्छे से समझाया गया है। देखिए, माना कि एम द्रव्यमान का कोई पिंड है, एम द्रव्यमान का कोई वस्तु है जो कि पृथ्वी के तल से, पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर है, ठीक। जैसे कि देखिए, यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, यह देखिए पृथ्वी का सतह हो गया और यहाँ पर एम द्रव्यमान का कोई वस्तु है। अब इसको हम यहाँ से ले जाकर यहाँ तक ले जाते हैं, यानी कि एच ऊंचाई तक ले जाते हैं, ठीक, यहाँ पर समझिएगा। अब देखिए, जो ऊपर इस वस्तु को हम यहाँ से यहाँ तक ले जाते हैं, तो ऊपर ले जाने की क्रिया में पिंड पर लगे हुए गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वह सभी वस्तु को नीचे की ओर खींचता है, यानी कि पृथ्वी अपनी ओर सभी वस्तु को खींचता है। यदि हम इस वस्तु को यहाँ से उठाकर यहाँ पर ले जा रहे हैं, तब पृथ्वी का गुरुत्व बल इसके विरुद्ध कार्य कर रहा है, इस वस्तु को वह अपनी ओर खींच रहा है। तो गुरुत्व बल पृथ्वी का क्या होता है, बराबर mg होता है, ठीक, यह कार्य कर रहा है। अब देखिए, यह कार्य ही पिंड में स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है और यही जो कार्य होता है ना, वही जो है, जो वस्तु है उसमें स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो देखिए, यहीं से स्थितिज ऊर्जा का सूत्र भी निकल कर आता है कि पिंड की स्थितिज ऊर्जा यू बराबर हो जाता है पिंड के गुरुत्व बल mg के विरुद्ध तथा h ऊंचाई तक उठने में किया गया कार्य। तो यहाँ से स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आता है कि यू बराबर mgh, यानी कि पिंड का भार गुणे ऊंचाई। अब पिंड का भार किस तरह से, देखिए यदि आप लोग फिजिक्स पढ़ते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि द्रव्यमान और भार में अंतर है। द्रव्यमान को केवल m से सूचित किया जाता है, लेकिन भार को mg द्वारा सूचित किया जाता है, क्योंकि भार में गुरुत्व त्वरण को भी जोड़ा जाता है, ठीक। तो वही कह रहा है कि पिंड का भार गुणे ऊंचाई, भार हो गया mg और गुणे ऊंचाई। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, U बराबर होता है mgh, ठीक, इसको आप सभी लोग याद रखिएगा। अब देखिए, स्थितिज ऊर्जा से युक्त वस्तुएं, यानी कि कुछ ऐसे वस्तुओं के नाम जिनमें स्थितिज ऊर्जा है, जैसे कि देखिए, किसी ऊंचाई पर टंकी में एकत्रित जल, किसी भी ऊंचाई पर या छत पर या फिर कहीं पर भी जो टंकी रहता है उसमें जो जल रहता है उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होता है। अब देखिए, पृथ्वी से ऊंचाई पर रखे पत्थर के टुकड़े में स्थितिज ऊर्जा, अब देखिए पृथ्वी से किसी भी ऊंचाई पर कोई भी वस्तु या पत्थर हम रखते हैं तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है। धनुष की कमान खींचने पर उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा, जब हम धनु या फिर गुलेल की कमान को खींचते हैं
तो उसमें भी जो स्थितिज ऊर्जा है ना संचित हो जाती है, और उसमें स्थिति जब उसे हम छोड़ते हैं तो वही स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है और वहां पर धनु से तीर निकल जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि स्थिति ऊर्जा के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, यह है प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, विद्युत स्थिति ऊर्जा,